गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अवर फिफ्थ चैप्टर थॉमस अल्वा एडिसन। आज हमने अपना फिफ्थ चैप्टर पढ़ना है इंग्लिश का, थॉमस अल्वा एडिसन। हैव यू एवर थॉट अबाउट द इलेक्ट्रिक बल्ब? कहते क्या आपने कभी इलेक्ट्रिक बल्ब, जो बिजली का बल्ब होता है, उसके बारे में कभी आपने सोचा है? हु इन्वेंटेड इट, किसने इसकी खोज की? इन्वेंट का मतलब खोज करना। हिज नेम वॉज थॉमस अल्वा एडिसन। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसको इन्वेंट किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। He is known as the greatest scientist in the history of the science. वो बहुत बड़े क्या थे? साइंटिस्ट थे। How did he become one? वो किस तरह से साइंटिस्ट बने? His family called him Alva lovingly. जो एडिसन थे उन्हें प्यार से क्या कहा जाता था? Alva. He was a very curious child. वो बहुत ज़्यादा तेजक, मतलब कि उन्हें जिज्ञासा होती थी हर वक्त ना चीज़ जानने की। Always ask questions. वो हमेशा questions पूछते रहते थे। Sometimes his mother, who had been a school teacher, could not answer his all the questions. कई बार उसकी mother, उसके school teachers उसके questions के answer नहीं दे पाते थे। He would often experiment to find the answers of the questions. वो अपने questions के answer ढूंढने के लिए खुद ही experiments करते रहते थे। When he was 12, जब वो 12 years के थे, he sold newspapers and sweets on trains to earn money. वो ट्रेन गाड़ियों में न्यूज़पेपर और स्वीट्स मिठाइयाँ बेचते थे पैसे कमाने के लिए। किस वजह से? एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। व्हेन ही वाज 16 इयर्स ओल्ड, जब वो 16 इयर्स के हुए, ही वेंट टू वर्क फॉर टेलीग्राफ ऑफिस सेंडिंग मैसेजेस। तो 16 इयर्स के जब हुए तो वो क्या काम करने लग गए? टेलीग्राफ ऑफिस में मैसेजेस सेंड करने का। एट द एज ऑफ 22 ही वेंट टू न्यूयॉर्क। 22 ईयर्स की एज में वो कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क चले गए विद $1 इन हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट में से $1 लेके। ही लुक्ड फॉर द जॉब ड्यूरिंग अ डे एंड एट नाइट ही स्लेप्ट इन द बेसमेंट ऑफ गोल्ड कंपनी। दिन में वो क्या करते थे? अपना काम करते थे और रात के टाइम क्या करते थे? गोल्ड कंपनी की बेसमेंट में सोते थे। ही वॉच्ड एवरीथिंग अराउंड हिम वेरी क्लोजली। उनके पास में कोई भी चीज़ होती थी तो उसे बड़े नज़दीक से देखते थे। वंस अ मशीन ब्रोक डाउन एंड ही वॉज एबल टू रिपेयर इट। एक बार एक मशीन ख़राब हो गई और उन्होंने उसे रिपेयर कर दिया। बिकॉज ही हैड बीन वॉचिंग इट वर्किंग एवरी नाइट बिफोर ही वेंट टू स्लीप। क्योंकि हर रात सोने से पहले उस मशीन को काम करते हुए बड़े ध्यान से देखते थे। द ओनर्स वर सो प्लीज्ड विद हिम दैट दे गिव हिम अ जॉब इन द कंपनी। जो उस मशीन के मालिक थे वहाँ के, उन्होंने उन्हें क्या किया? अपनी कंपनी में जॉब दे दी। He improved the machine so much that the company gave him $40,000 for his invention.